शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पेंच और कन्हान नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी का बहाव तेज गति से होने से करीब 25 से 30 फीट तक पानी नदी के तल से ऊपर बाहर, इस कारणवश इस नदी को लगे हुए गाँव तक पानी पहुँच गया है। सावनेर तहसील के टेम्बुलडो, खापा, पारशिवनी तहसील के डोरली, कामठी तहसील के बिना संगम जैसे गांव से संपर्क टूट गया है। पेंच नदी भारत में मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के तहसील जुन्नारदेव से लगे सातपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार से इसका उगम होता है। दक्षिण पूर्वी सीमा पर इसमें तीव्र मोड़ आता है और यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नदी का बहाव तेज होने के कारण बरसात के समय यह उग्र रूप धारण कर लेती है, जिससे ये एक बड़ी समस्या नदियों के समान इसकी भव्यता देखते ही बनती है। कुलबेहरा नदी इसकी सहायक नदी है। पेंच नदी परासिया छिंदवाड़ा चौराई के माचागोरा बांध से होते हुए झिलमिली चांद पहुंचती है। चांद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कुलबेहरा नदी भी पेंच नदी से मिल जाती है। इन दोनों नदियों के संगम से पेंच नदी का आकार और बढ़ जाता है। आगे यह नदी सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए महाराष्ट्र नागपुर के तोतलाडो बांध से होते हुए यह नदी कन्हान नदी में मिल जाती है। कन्हान, पेंच तथा बावनथड़ी वैनगंगा नदी सहायक नदी है। यह नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार नदी पर दो बांध बने हुए हैं। आने वाले कुछ ही समय पर फिर से बांध के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बिना गावामध्ये पुराचा खूप मोठा धोका निर्माण झालेला आहे। काल रातपासून जे बिना गावातलं जे पाणी वाळत आहे, त्यामुळे बिना गावाला खूप मोठा धोका निर्माण झालेला आहे। पेच आणि कन्हान नदीचे पाणी बिना गावला येऊन टेकलेलं आहे। बिना गावातील खालच्या याच्यात असलेले जे मकान आहे, 15 ते 20 मकान आहे, प्रभावित झालेले आहे। त्यांना वरच्या भागाला वळवण्यात आलेलं आहे। तरी पण शासनाने दखल घ्यावी, कारण बिना संगम जो मार्ग आहे, बिना गावातून जो बिना संगमचा जो मार्ग आहे, हा पूर्णपणे तुटलेला आहे आणि मंदिरकडे जाणारा पूर्ण मार्गावर पूर्ण पाणीच पाणी आहे। आणि त्या ठिकाणी काही 2-3 माणसं तिथं लटकलेली आहे। म्हणून शासनाला मदत करावी, हे शासनाला विनंती आहे। आणि बिना गावात सर्व संपर्क तुटलेला आहे। बिना जोड ते बिना गावाच्या पुल्यामध्ये पाणी आहे। बिना गावाचा पूर्ण संपर्क तुटलेला आहे। त्याचप्रमाणे बिना गावातील वीज तुटवडा झालेला आहे। पोल वगैरे आणि पूर्ण डीपी वगैरे हे सर्व तुटलेले आहे। तरी शासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर त्यांनी मदत करावी। अभी हम सावनेर तहसील के रोहना गाँव में है, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पानी लगभग जमीन लेवल से 24 से 25 फीट ऊपर चल रहा है। ठीक है। और रोहना गाँव में जो मंदिर है, वो मंदिर का कलश ही हमको दिख रहा है। वो मंदिर पूरा पानी में डूब चुका है। ठीक है। इस वल्ली जिला परिषद क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य प्रकाश जी खापरे यहाँ गांव में मौजूद है। हम उनसे बात करके इस बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ की अभी क्या परिस्थिति चल रही है। तुम्ही याबद्दल म्हणजे आम्हाला माहिती सांगा की आता गावामध्ये काय परिस्थिती सुरू आहे। अजून ज्या पद्धतीने नदी वाढलेलं आहे, गाव सुरक्षित आहे, गावात कुठलाही धोका नाही। पाण्याचा प्रवाह वाढत चाललेला आहे, तर त्याच्यामुळे माझं एकच सांगता येईल की आपण सर्वांनी आपल्या सेफ ठिकाणी राहून नदीच्या प्रवाहाला किंवा आपण पाण्यातून पाण्यापासून आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीने आता पाणी दिवस वाढत आहे, 1 तासामध्ये जवळजवळ 1 फूट पाण्याची लेवल वरती वाढलेली आहे। आता पाणी वाढणार हे निश्चित आहे आणि गावातील तरुण लोक या पाण्याचा आनंद घेत आहे। पण भविष्यात पाण्याचा प्रवाह वाढत असल्यामुळे सर्वांनी आपापल्या जीवाची काळजी घेऊन आपण सुरक्षित ठिकाणी राहूनच पाण्याचा आनंद घ्यावा असं माझ्या सर्वांना विनंती आहे। तहसील प्रशासनाकडून तुम्हाला अजूनपर्यंत काही सूचना वगैरे देण्यात आला? तहसील प्रशासनाने आपल्या परीने काम चालू आहे। पटवाऱ्यांचे फोन वगैरे आलेले होते, ते सुद्धा आपल्या साईडला त्यांनी आपली तयारी दिलेली आहे। कारण आपल्याला पण नदीकडून पुलावरून पाणी असल्यामुळे सगळं प्रशासन तिथे आहे आणि अधिक या पहिली परिसरात तशी काही अजून धोक्याची घटना दिसून येत नाही। एनबीसीएन न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।